हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ आंध्रा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं लोगों को। मतलब पानी भर गया है कुछ एरिया में, तो मतलब खाने और पानी के लिए भी और पावर कट के वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनके लिए सब दुआ करें कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। और किसी किसी जगह मतलब जो फर्स्ट फ्लोर तक वाटर भी आ चुका है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गुंटूर में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट डे तो ब्लॉक हुआ था, लेकिन थोड़े देर में ही मतलब क्लियर हो गया है। लेकिन विजयवाड़ा इस साइड तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी भर गया है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उन सब के लिए दुआ कीजिए आप लोग। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा दुआ कर दिया है कि जल्दी ठीक हो जाए, सब सेफ रहे। और ये डोसा बैटर मैंने बना के रखा था जो फर्मेंट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है मौसम। तो मतलब ऐसे ही जितना बनाया था उतना ही है, तो उसका डबल भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी डोसा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और दोपहर में थोड़ा सो गई थी, और 2-3 दिन से तो मतलब बच्चों की छुट्टियाँ, स्कूल भी नहीं है, और कल भी छुट्टी डिक्लेयर हो गया है यहाँ पे। बच्चों के स्कूल्स कॉलेजेस कुछ भी नहीं है, सब घरों पे ही हैं, क्योंकि रेड अलर्ट बोल दिया गया है। और टीवी पे भी मतलब बहुत ज़्यादा यही न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से सब मतलब सेफ हो जाए, सब अच्छा रहे। फ्रेंड्स आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। डोसा और मम्मी ने जो है नारियल की चटनी बना के दी थी, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब जो लेमन राइस होता है उसके लिए बनाया था चटनी, और लेकिन डोसा के साथ भी ये चलेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था घर पे, तो मैं आ गई हूँ सुपर मार्केट। रिलायंस फ्रेश बहुत पास ही है घर के, और यहाँ मैंने ये क्ले गणेश और तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत प्यारा है और इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के। तो हमेशा आप इको फ्रेंडली गणेशा यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे मेरे जो घर में थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने आई थी, तो वो लेती हूँ। और फिर घर जाके मुझे थोड़ा सा काम है, वो भी कर देना है। तो बाहर आके मतलब थोड़ा अच्छा लगा, घर घर ही में बहुत दिन, 2 दिन से घर घर ही में रह के मतलब दिमाग ख़राब हो गया था। तो यहाँ मैंने ये देखा चाओ चाओ है, ये मैंने कभी नहीं खाया, तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं वो। तो यहाँ पे सुबह जब मैं चीज़ें ले रही थी, तो थोड़े से मुझे डस्ट दिखा था, तो मैंने सोचा चलो बॉटल्स पूरे क्लीन करके फिर रख देती हूँ। मुझे थोड़ा भी यहाँ किचन में डस्ट दिखता है ना फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा उसको क्लीन कर ही देती हूँ। मतलब मुझे ऐसा ये हैबिट हो गया है, और मुझे लगता है ये क्या हैबिट है, दिन भर यही करते रहो। लेकिन मुझे धूल दिखा था, फिर मैं ऐसे उसको मतलब नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको क्लीन कर देते हैं, तो क्लीन भी हो जाएगा अच्छे से और साफ़ सुथरा रहेगा। और एक एक चीज़ अगर मुझे साफ़ नहीं दिखती, तो मैं कर देती हूँ जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। और वैसे भी ये जो थोड़ा सा चीज़ें लाई हूँ, वो मेरे को बॉटल्स में रखना है, तो उसके साथ ही ये काम भी हो जाएगा।
तो जितने भी बड़े बॉटल्स हैं वो मैंने कबर्ड में रख दिए थे, और उसमें कबर्ड में छोटे छोटे बॉटल्स भी थे, अगर सडनली मैं कुछ निकालती हूँ तो छोटे बॉटल्स गिर जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए मैंने वो सारे बॉटल्स मैंने सोचा चलो बाहर ही रख देते हैं, जो मेरे यूज़फुल की चीज़ें ही हैं, जो मैं रोज़ाना मतलब सब्ज़ी बनाती तो यूज़ करती हूँ, तो क्यों मैं उसको रखूँ कबर्ड में, तो मैंने उसको निकाल दिया और अभी यहाँ पे ये चीज़ें डाल देती हूँ बॉटल्स में, और फिर उसके बाद यहीं पे कहीं अरेंज कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट की चीज़ें जैसे रवा वगैरह हो गया था, तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है, मतलब सुबह सुबह जैसे कभी कभी लेट हो जाता है तो इजी जैसे रवा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कुछ ना कुछ मतलब इजी ब्रेकफास्ट और हेल्दी खाना है तो घर पे ही खा लेते हैं। जैसे देखिए रवा ख़त्म हो गया था तो वो लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भरा था इस वाले बरनी में और ये स्टील के डिब्बे में, तो कभी एंट्स आ जाते हैं तो उससे बचाने के लिए मैंने इसमें लौंग डाल के रखा है, तो बिल्कुल भी नहीं आते फ्रेंड्स एंट्स इससे, तो आप ज़रूर ट्राई करना ये वाला टिप। और टी टाइम स्नैक्स के लिए मैं लेकर आई थी बिस्किट्स, और यूनिबिक बिस्किट्स बहुत टेस्टी होते हैं, मेरा फेवरेट है, और उसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सारे मैंने एक जार में रख दिए थे। और रस्क तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर आप दूध पियो या चाय पियो उसमें रस्क खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो हमेशा रख लेती हूँ। और यहाँ मेरा किचन जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। और फेस्टिव सीज़न आ रहा है इसीलिए मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा ग्लिटर अपने किचन में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।